नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर मिर्जापुर चौक दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों का इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेन्स वियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर दरभंगा। बिल्ड टू एम्पावर यू एंड स्प्रेड एजुकेशन टू ऑल, कनेक्टिंग कैंपस, दिघी वेस्ट, रोज द मेडिसिटी हॉस्पिटल के सामने दरभंगा। लगातार गिर रहा है पारा, कनकनी ने बढ़ाई परेशानी, जारी है सर्दी का सितम। शीतलहर एवं कड़ाके की ठंड के मद्देनजर दरभंगा में कक्षा 8 तक सभी सरकारी एवं प्राइवेट स्कूल 31 दिसंबर तक के लिए किए गए बंद। 3 दिनों के अंदर जरूरतमंदों को कंबल बांटने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। ठंड में अलाव बना सहारा, सरकारी स्तर पर भी जगह जगह जलाए जा रहे हैं अलाव। दिन में कपड़े और माला बेचने तथा रात में शातिराना तरीके से चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का पुलिस ने किया भंडाफोड़, रिवॉल्वर, कट्टा, गोलियां और जीवर बरामद। 28 एवं 29 दिसंबर को 2 दिवसीय मंगल महोत्सव का होगा भव्य आयोजन। 28वीं पुष्प प्रदर्शनी की तैयारियां अंतिम दौर में, 28 एवं 29 दिसंबर को लक्ष्मीश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में हो रहा है आयोजन। और 19 जनवरी को आयोजित होने वाली मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए सभी वर्ग के लोगों से भागीदारी की जिलाधिकारी ने की अपील। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से बस थोड़ी ही देर में। उत्सव मनाइए हमारे संग, बिल्कुल अलग और खास अंदाज में, वह भी पूरी किफायत के साथ। होटल गंगा रेजिडेंसी रामबाग किला दरभंगा, उठाइए बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ। जनवरी 2020 से जून 2020 तक शादी विवाह सहित सभी समारोहों के लिए करिए 31 दिसंबर 2019 तक एडवांस बुकिंग और पाइए फ्लैट 50% का बम्पर डिस्काउंट ऑफर। पहले आए पहले पाए के आधार पर कैंपस बिहार की पहली कंपनी जो शिक्षा के क्षेत्र में वर्चुअल रियलिटी लाने जा रही है। हम मूवी देखते हैं तो रियलिटी का अनुभव करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं और जिंदगी भर उसको याद रखते हैं। उसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग साइंटिफिक फिल्म देने जा रहे हैं। बच्चे एक बार देखेंगे और कभी भी नहीं भूलेंगे। रिमेंबर वंस एक्सपीरियंस फॉर एवर। बच्चे कार्टून देखते हैं, सारे कैरेक्टर उसके याद रखते हैं। अब बच्चे फिल्म देखेंगे, लिटिल एबीसी से लेकर हर कोर्स अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए connectingcampus.com पर विजिट करें। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा, शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंस वियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट, आए और फर्क महसूस करें। डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से DPMI तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज DPMI के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। 31 दिसंबर को कनेक्टिक कैंपस की ओर से आ रहा है लाइव प्रोग्राम बॉलीवुड सितारों के साथ। जी हाँ, सही सुना आपने, बॉलीवुड सितारों के साथ, आपके अपने चैनल न्यूज टुडे दरभंगा पर। ट्यून योर टेलीविजन। शॉपिंग, मस्ती और साथ में प्राइस भी। आइए राष्ट्रीय व्यापार मेला एक्सपो 2019-20 में मेडिकल कॉलेज खेल मैदान, कर्पूरी चौक दरभंगा। हाउस होल्ड गुड्स, हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट, होम अप्लायंसेज, स्टेशनरी, ज्वेलरी, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, किचनवेयर, मॉड्यूलर फर्नीचर, क्रॉकरी, गारमेंट्स, फुटवेयर, कारपेट, कंज्यूमर ड्यूरेबल और 5000 से अधिक उत्पाद के साथ आपके शहर में 7 जनवरी 2020 तक, समय 11 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक। और समाचार अब विस्तार के साथ। लगातार गिर रहा है पारा, कनकनी ने बढ़ाई परेशानी, जारी है सर्दी का सितम।
लगातार गिर रहा है पारा, बढ़ रही है ठंड, कनकनी ने बढ़ाई परेशानी। सुबह से लेकर ही जो ठंड का प्रकोप शुरू होता है वह रात तक चलता रहता है और संध्या काल और सुबह में ठंड से परेशानी और बढ़ी जाती है। या तो लोग घरों में दुबके रहते हैं या फिर अलाव का सहारा लेते हैं, काफ़ी ज़रूरत पर ही लोग घरों से बाहर निकलते हैं। शीतलहर एवं कड़ाके की ठंड के मद्देनजर दरभंगा में कक्षा 8 तक के सभी सरकारी एवं प्राइवेट स्कूल 31 दिसंबर तक के लिए किए गए बंद। शीतलहर एवं कड़ाके की ठंड के मद्देनजर जिला पदाधिकारी दरभंगा के आदेशानुसार जिले के सभी निजी एवं सरकारी प्रारंभिक विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक के शैक्षणिक कार्य को 26 दिसंबर तक स्थगित किया गया था, जो अब 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी अब सभी सरकारी और निजी विद्यालय 31 दिसंबर तक कक्षा 1 से 8 तक के लिए बंद रहेंगे। 3 दिनों के अंदर जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल, जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। ठंड के मद्देनजर जरूरतमंद लोगों के बीच 3 दिनों के अंदर कंबल वितरण का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। जिलाधिकारी दरभंगा डॉ. त्यागराजन SM ने सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा रविशंकर तिवारी को 3 दिनों के अंदर जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल बांटने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इन दिनों ठंड एवं कपकपी में रोज वृद्धि हो रही है, ऐसे में गरीब बेसहारा लोगों को ठंड से काफी दिक्कतें हो रही होंगी। इसी को देखते हुए सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत कंबल क्रय किया गया है। इसमें से आपूर्तिकर्ता द्वारा अब तक 1000 कंबल की आपूर्ति की गई है, जिसे तुरंत वितरित करने हेतु अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है। जिलाधिकारी स्वयं भी अपने हाथों से कुछ लोगों को कंबल बांटेंगे। उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा को भी गरीब लोगों के बीच कंबल का वितरण करने को कहा गया है। रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा तत्काल 100 कंबलों का वितरण किया जाएगा। गरीब लोगों को कंबल प्राप्त होने पर उन्हें ठंड से थोड़ी राहत मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि बढ़ती ठंडक से बचाव हेतु संपूर्ण जिला क्षेत्र में विगत कई दिनों से सार्वजनिक चौक चौराहों पर लकड़ी का अलाव जलाया जा रहा है। ठंड में अलाव बना सहारा, सरकारी स्तर पर भी जगह जगह जलाए जा रहे हैं अलाव। ठंड से लोगों को निजात दिलाने के लिए सरकारी स्तर पर भी जगह जगह जलाए जा रहे हैं अलाव। कुल 19 क्विंटल लकड़ी अलाव में जलाई गई। शीतलहर के प्रकोप से बचाव हेतु दरभंगा जिला क्षेत्र में जगह जगह अलाव जलाए जा रहे हैं। अब तक 19 क्विंटल लकड़ी अलाव में जलाई जा चुकी है। आपदा शाखा से प्राप्त सूचना अनुसार नगर निगम क्षेत्र में 9 जगह सहित जिले में आज कुल 100 से अधिक जगहों पर अलाव जलाया गया है। इसमें दिल्ली मोड़, कंसी, मब्बी चौक, सीसो, शाहवाजपुर, लहेरियासराय स्टेशन, टावर चौक, PHC हनुमान नगर, बिशनपुर चौक, बहेड़ी बाजार, अतरबेल चौक, सिमरी चौक, भरवारा बाजार, जोगीरियारा स्टेशन, गांधी चौक, शंकर चौक, जाले, रनवे चौक, छतवन चौक, खिरमा चौक, केवटी, दहोड़ा चौक, नारायणपुर चौक, राघोपुर पश्चिमी, मनीगाछी, बहेड़ा अस्पताल, धरोड़ा चौक, भरथा चौक, शिवराम चौक, बिलौन चौक, हावी भवार, बेनीपुर, पकड़ी, PHC अली नगर, पाली घनश्यामपुर आदि जगहों पर अलाव जलाया जाना इनमें शामिल है। दिन में कपड़े और माला बेचने तथा रात में शातिराना तरीके से चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का पुलिस ने किया भंडाफोड़। रिवॉल्वर, कट्टा, गोलियां और जेवर बरामद। दिन के उजाले में कपड़े और माला बेचने का काम और रात के अंधेरे में सातिर तरीके से चोरी को देते थे अंजाम। दरभंगा में पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों पर सख्ती एवं स्थानीय अपराधियों पर सख्त नजर रखने के बावजूद चोरी की बढ़ती घटनाओं को लेकर SSP बाबूराम ने पुलिस की एक विशेष टीम को चोरों को पकड़ने में लगाया था और खुलासे में यही सच सामने आया है। जिस गिरोह को पुलिस ने पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है, उसका काम दिन के उजाले में कपड़े और माला बेचना और रात के अंधेरे में चोरी की वारदात को अंजाम देना था। दिन के उजाले में कपड़ा और माला बेचने के क्रम में ये स्थान को चिन्हित करते थे, सभी रेकी करते थे और रात में देते थे सफलता से अपने कार्य को अंजाम। गुरुवार को अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में SSP बाबूराम ने उड़ीसा से आए एक ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश किया। यह गिरोह दिन के उजाले में कपड़े और माला आदि बेचता था, जबकि रात को चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। इस गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि इनके 2 अन्य साथी एवं 2 महिलाओं की तलाश जारी है।
इनके पास से एक रिवॉल्वर एवं देसी कट्टा के साथ 3 गोलियां भी बरामद की गई हैं। साथ ही भारी मात्रा में सोने चांदी के गहने एवं चोरी के अन्य सामानों की बरामदगी भी हुई है। इनके पास से बरामद 3 मोबाइल फोन भी सिम सहित जब्त किए गए हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने बताया कि गत 18 दिसंबर को अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र अंतर्गत पूजा श्री ज्वेलर्स में इन्होंने गहनों से भरा एक बैग चोरी कर लिया था। दुकान में लगे सीसीटीवी में घटना कैद हो गई थी। घटना के विश्लेषण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर सदर थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रह रहे इन 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। इन्होंने लहरियासराय थाना क्षेत्र सहित अन्य चोरी की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पूछताछ में पता चला कि इनके गिरोह में 2 अन्य पुरुष एवं 2 महिलाएं शामिल हैं, जिनकी तलाश जारी है। गिरफ्तार तीनों युवक की पहचान उड़ीसा के कटक जिले के 23 वर्षीय शक्तिमान, जाजपुर जिले के 20 वर्षीय शंकर प्रधान तथा गंजम जिले के 28 वर्षीय दास रवि के रूप में हुई है। शक्तिमान एवं शंकर प्रधान पहले भी जेल की हवा खा चुका है, जबकि तीसरे अपराधी के आपराधिक इतिहास का पुलिस पता लगा रही है। आपको भी सावधान रहने की है ज़रूरत। गाहे बगाहे राह चलते कपड़े और माला जैसे सामान बेचने वालों को अपने घर में सतर्कता से बुलाएं, नज़र रखें उन पर, वरना कहीं अगले हादसे के शिकार आप न हो जाएं। ये 3 शातिर अपराधी की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं। 18 तारीख को APM थाना अंतर्गत एक ज्वेलर की दुकान में चोरी हुई थी। इसमें गहनों का एक बैग चोरी कर लिया गया था। उसी केस के अनुसंधान में इनको गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों उड़ीसा के रहने वाले हैं। इनके अन्य 2 साथी और 2 महिलाएँ वो भी गायब हैं। उनकी तलाश जारी है। पूछताछ से पता चला है कि ये लगभग 1 महीने से यहाँ पर रह रहे थे शहर में किराए पर, और ये कुल 5 व्यक्ति और 2 महिलाएं थे। इन्होंने और भी लहरियासराय थाना अंतर्गत और एक और मामले में और उनको इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इन्होंने बताया है कि ये कपड़ा बेचने के बहाने, माला बेचने के बहाने घूम घूम कर पूरे शहर में देखते थे, और जहाँ इनको वीक पॉइंट मिलता था वहाँ ये चोरी को ऐसी घटनाओं को अंजाम देते थे। अब इनके पास से चोरी का पूरा माल बरामद हुआ है। इसमें काफ़ी तरह के गहने हैं और कुछ हथियार गोली बरामद हुआ है। इनके पास से 1 मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल जब्त हुए हैं। इनके अन्य साथियों की तलाश जारी है। ये लोग पहले भी बंगाल और झारखंड में इस तरह के अपराध में जेल जा चुके हैं। आर्म्स में 1 रिवॉल्वर और 1 कट्टा बरामद हुआ है। गहने में जो दुकान से जो इन्होंने चोरी किया था, बैग में जितने भी गहने थे वो सारे इनसे मिल गए। ये पूरे गहनों को लेकर उड़ीसा भागने की तैयारी में थे। अभी इनको जो हम लोगों ने जब्ती बनाई है, एक देखने से प्रकाश ऐसी लगता है कि इसमें काफ़ी वजन है, सोने के काफ़ी गहने हैं, और निश्चित रूप से इनकी कीमत लाखों में होगी। अट्ठाईस एवं 29 दिसंबर को 2 दिवसीय मंगल महोत्सव का होगा भव्य आयोजन। 28 और 29 दिसंबर को रानी सती दादी जी का मंगल महोत्सव आयोजित हो रहा है। 2 दिवसीय इस भव्य आयोजन के प्रथम दिन 28 दिसंबर को मंगल कलश शोभा यात्रा सुबह 8 बजे रानी सती मंदिर गांधी चौक से निकलेगी। उसी दिन संध्या 7 बजे अखंड ज्योत एवं भजन संध्या का आयोजन होगा। 29 दिसंबर को सुबह 10 बजे से संगीत में मंगल पाठ सह नृत्य नाटिका आयोजित होगी, और संध्या 5 बजे उसी दिन सामूहिक महाआरती होगी। सभी कार्यक्रम शक्तिधाम मंदिर गुल्लोबारा नाका नंबर 4 के सामने दरभंगा में आयोजित होंगे। पत्रकारों को इस संबंध में तमाम जानकारियां दी गई। हमारा इस बार ये मिथिला की पावन भूमि माँ जगत जननी सीता की जन्मभूमि मिथिला में
चार दिवसीय शक्ति उपासना का कार्यक्रम होने जा रहा है। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि मिथिला के लोगों को चार दिवसीय शक्ति उपासना का मौका मिला है। इस बार श्री श्री 108 रानी सती दादी झुंझुनू वाली का मंगल सालाना उत्सव शक्तिधाम मंदिर गुल्लोवाड़ा में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर निम्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 28/12/2019 शनिवार को प्रातः 8 बजे से मंगल कलश शोभा यात्रा गांधी चौक स्थित श्री रानी सती मंदिर से, जिसमें महिलाएं दादी जी का मंगल कलश माथे पर रखकर नगर भ्रमण करेंगी। सायं 7 बजे से अखंड ज्योत एवं भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। आमंत्रित भजन गायक श्री विकास शर्मा कोलकाता एवं श्री प्रियंका गुप्ता पुणे से हैं। दिनांक 29/12/2019 को प्रातः 10 बजे से संगीतमय मंगल पाठ कोलकाता से आई नृत्य नाटिका के साथ, जिसमें 401 महिलाएं एक जैसे परिधान में दादी जी का मंगल पाठ करेंगी। शाम को 5 बजे सामूहिक महाआरती होगी, जिसमें सभी भक्तजन एक साथ आरती करेंगे। आमंत्रित पाठवाचक श्रीमती प्रियंका गुप्ता बेंगलुरु से हैं। मंगल कलश यात्रा मार्ग गांधी चौक, बड़ा बाजार, दरभंगा टावर, टाउन हॉल, मारवाड़ी स्कूल रोड, सुभाष चौक, स्टेट बैंक के सामने होते हुए शक्तिधाम पहुँचेगी। विशेष रक्तदान शिविर दिनांक 29/12/19 को शक्तिधाम मंदिर परिसर में 10:30 से भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा आयोजित होगा। इस आयोजन पर मिथिला के लोगों को ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य का विषय है कि 4 दिवसीय शक्ति उपासना का कार्यक्रम हो रहा है शक्तिधाम परिसर में, और माँ सीता की जन्मभूमि जो है वो शक्ति के उपासना के रूप में मानी जाती है। दरभंगा की पावन भूमि में यह 4 दिवसीय मंगल महोत्सव होने जा रहा है, जिसमें मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा पूरे दरभंगा वासियों की से कि वो आएं और इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना दें। मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि वो अधिक से अधिक उस कार्यक्रम में शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। 28वीं पुष्प प्रदर्शनी की तैयारियां अंतिम दौर में, 28 एवं 29 दिसंबर को लक्ष्मीश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में हो रहा है आयोजन। 28वें पुष्प प्रदर्शनी के आयोजन की तैयारियां अंतिम दौर में, नॉर्थ विहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की ओर से 28 और 29 दिसंबर को स्थानीय लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी परिसर में होने वाले पुष्प प्रदर्शनी की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। पुष्प प्रदर्शनी के लिए गुरुवार को दिन भर पुष्प प्रेमियों एवं प्रतिभागियों के 3000 से अधिक प्रकार के गमले और पॉट्स प्राप्त किए गए। इन पौधों और पुष्पों को कलात्मक ढंग से सजाने के लिए लाइब्रेरी परिसर के मैदान में खास व्यवस्था की गई है। मैदान में एक छोर पर मंच बनाया गया है, तो विभिन्न किस्म और प्रजातियों के पौधों के लिए अलग अलग स्थान तय किए गए हैं। इन स्थानों पर इन गमलों को विशिष्ट शैली में सजाकर उन्हें आकर्षक स्वरूप दिया जा रहा है। आयोजन स्थल पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए करीब 1 दर्जन स्टॉल भी बनाए गए हैं। पुष्प प्रदर्शनी को कुल 20 ग्रुपों में बांटकर सजाया जा रहा है। प्रदर्शनी में विभिन्न किस्म के छोटे एवं बड़े पुष्पों के अलावा कैक्टस, बोनसाई प्लांट्स, फोलियंस प्लांट, सक्यूलेंट्स, पॉटेड प्लांट्स, पॉटेड वेजिटेबल प्लांट्स, साइकस, पाइनस और एरोकेरिया जैसे स्पेसिमेन प्लांट्स आकर्षण के प्रमुख केंद्र होंगे। इसके अलावा सीजनल फ्लावर्स में गेंदा, डहलिया, जीनिया, कैलेंडुला, पेचूनिया, डायंथस आदि भी लोगों को अपनी ओर खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एनुअल फ्लावर्स के ग्रुप में विभिन्न किस्म के गुलाब के फूल, बेगनवेलिया, उड़हुल, फायरबॉल आदि प्रदर्शनी में अपनी छटा बिखेरने के लिए तैयार हैं। प्रदर्शनी के एक भाग में फोलियस प्लांट्स को बड़ी संख्या में स्थान दिया गया है। इनमें छोटे और बड़े पत्ते वाले कोलियस, क्रोटन, एरालिया, सिंगोनियम, फर्न, एस्पेरेगस, फॉलोडेंड्रोन, पाम, रबर प्लांट आदि प्रमुख हैं। 19 जनवरी को आयोजित होने वाली मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए सभी वर्ग के लोगों से भागीदारी की जिलाधिकारी ने की अपील। 19 जनवरी 2020 को आयोजित की जा रही राज्यव्यापी मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए सभी वर्ग के लोगों से भागीदारी करने का आग्रह किया गया है। जिलाधिकारी दरभंगा ने एक बैठक का आयोजन कर कहा कि सामाजिक सरोकारों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से राज्य
कि सरकार द्वारा यह महाअभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में हर व्यक्ति को जुड़ना होगा, हर किसी को अपना योगदान देने के लिए आगे आना होगा। पृथ्वी पर जीव की रक्षा के लिए जल का संरक्षण एवं हरित आवरण को बढ़ाना होगा। बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन के लिए समाज को जागरूक करना होगा। यह कार्य सिर्फ सरकारी स्तर पर पूरा नहीं हो सकता है। वे मानव श्रृंखला निर्माण हेतु नगर भवन में आयोजित बैठक में नगर के विभिन्न महाविद्यालयों एवं विद्यालयों के प्राचार्य और प्रधानाचार्य को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 19 जनवरी को 11:30 बजे दिन में सभी शिक्षकों को अपने अपने शिक्षण संस्थानों के वर्ग 5 से ऊपर के विद्यार्थियों के साथ समीप के रूट में आधे घंटे के लिए खड़ा होना है। इस बैठक में मानव श्रृंखला निर्माण हेतु निर्धारित रूट चार्ट को प्रोजेक्टर पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया गया। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन अ नेम टू ट्रस्ट अपॉन हेरू इंग्लिश स्कूल दरभंगा। क्वालिटी एजुकेशन विद बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ऑल द व्हीकल्स आर इनेबल्ड विद GPS, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स लैब, वेरी गुड फैसिलिटीज फॉर बोथ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। कंप्लीट स्कूल कैंपस इज अंडर CCTV सर्विलांस, रेगुलर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पेरेंट्स थ्रू SMS अलर्ट सिस्टम, एम्फेसिस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट, नो री एडमिशन चार्जेस फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स, 5 acres environment friendly campus, all classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 7763819774. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत, बढ़ेंगे आगे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। लगातार गिर रहा है पारा, कनकनी ने बढ़ाई परेशानी, जारी है सर्दी का सितम। शीतलहर एवं कड़ाके की ठंड के मद्देनजर दरभंगा में कक्षा 8 तक सभी सरकारी एवं प्राइवेट स्कूल 31 दिसंबर तक के लिए किए गए बंद। 3 दिनों के अंदर जरूरतमंदों को कंबल बांटने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। ठंड में अलाव बना सहारा, सरकारी स्तर पर भी जगह जगह जलाए जा रहे हैं अलाव। दिन में कपड़े और माला बेचने तथा रात में शातिराना तरीके से चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का पुलिस ने किया भंडाफोड़, रिवॉल्वर, कट्टा, गोलियां और जेवर बरामद। 28 एवं 29 दिसंबर को 2 दिवसीय मंगल महोत्सव का होगा भव्य आयोजन। 28वीं पुष्प प्रदर्शनी की तैयारियां अंतिम दौर में, 28 एवं 29 दिसंबर को लक्ष्मीश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में हो रहा आयोजन और 19 जनवरी को आयोजित होने वाली मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए सभी वर्ग के लोगों से भागीदारी की जिलाधिकारी ने की अपील। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 61वें प्रांतीय अधिवेशन में दरभंगा से शामिल हो रहे हैं 147 छात्र छात्राएं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 61वें प्रांतीय अधिवेशन मुजफ्फरपुर में सम्मिलित होने के लिए पूरे दरभंगा जिला से कुल 147 छात्र छात्रा इस अधिवेशन में सम्मिलित हो रहे हैं। इस अवसर पर अधिवेशन के जिला नियंत्रक सुमित सिंह ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यह 61वां अधिवेशन अपने आप में गौरवशाली अधिवेशन होने जा रहा है। अधिवेशन का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को न केवल वर्तमान शैक्षणिक गतिविधियों से अवगत कराना है बल्कि कार्यकर्ताओं में कुशल नेतृत्व गुणों का विकास भी करना है। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्य समिति सदस्य मणिकांत ठाकुर ने कहा कि अधिवेशन का उद्देश्य ही कार्यकर्ताओं में एक नेतृत्वकर्ता का गुणों का निर्माण करना है। नेपाल के विराटनगर में 17वें अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन 2019 में सम्मानित किए गए डॉक्टर संतोष मिश्रा। नेपाल के विराटनगर में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन 2019 में सम्मानित किए गए डॉक्टर संतोष मिश्र। मिथिला के गांव से लेकर अपने विदेश प्रवास तक अपनी भाषा, साहित्य और संस्कृति के प्रति सदैव चिंतनशील रहने के वजह से उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर संतोष मिश्र संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे हैं और उन्हें मिथिला रत्न सम्मान से अलंकृत किया गया है। मनरेगा की तरफ से 2 पंचायतों में ग्राम सभा सह जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित। मनरेगा की तरफ से गुरुवार को 2 पंचायतों में ग्राम सभा सह जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 14-15 के मनरेगा योजना का विशेष सामाजिक अंकेक्षण किया गया। सीसो पश्चिमी पंचायत भवन पर BDO रवि सिन्हा,
व मुखिया शमसे आलम खां एवं खोटवारा मध्य विद्यालय में पीओ प्रेम कुमार और मुखिया जहीरा खातून की अध्यक्षता में सभा संपन्न हुई। जन सुनवाई में ग्रामीण मनरेगा मजदूर के जॉब कार्ड नहीं रहने, मजदूरी का भुगतान समय से नहीं होने एवं काम करने के दौरान किसी के घायल हो जाने पर मुआवजे की राशि उपलब्ध नहीं कराए जाने आदि बिंदुओं पर चर्चा कर सभी को समझाया गया। के लिए लोगों को जागृत किया गया। मनरेगा में जल जीवन और हरियाली पोखर खुदाई निजी जमीन में और यहाँ को क्या नाम है सस्ता बनाना ये सब मनरेगा के अंतर्गत आता है जो हम लोग पंचायत के माध्यम से काम करवाते हैं। ये कुटवारा पंचायत है, ग्राम पंचायत राज कुटवारा में किया जा रहा है। यह सस्ता कार्यक्रम है, अभी सामाजिक अध्यक्षण हुआ और यह क्या नाम है निजी जमीन में पोखर खुदाना है, रोजगार आमजन को मांगना है पंचायत से, उन लोगों को हम लोग 100 दिन का रोजगार साल में देंगे। और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ दरभंगा ने किया जिला अधिवेशन का आयोजन। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा बिहार सरकार की हठधर्मिता को देखते हुए राज्य नेतृत्व के निर्देशानुसार सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय दरभंगा में गुरुवार को डॉक्टर भुवनेश्वर प्रसाद की अध्यक्षता में जिला अधिवेशन का आयोजन किया गया। जो झारखंड में शिक्षकों ने वहां की जो है सो सत्ता बदल दी तो है क्या, अभी हर जगह हमारी जो है सो चर्चाएं हो रही हैं, तो हम लोगों को आने वाले समय में सजग रहने की जरूरत है। और हम देश के जो हमारे पदाधिकारी उपाध्यक्ष महोदय हैं बिना मोहन बाबू हैं, हमारे जो संघर्षशील साथी परमंडल सचिव महोदय है, यह कन्वेंशन जो हो रहा है राज्य संघ बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ जमाल रोड पटना के निर्देश के आलोक में राज्य के सभी 3800 जिला में जिला स्तरीय कन्वेंशन का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोगों की जो अगली रणनीति होगी उस पर हम लोग आपस में विचार विमर्श करके राज्य संघ को अवगत कराएंगे और अवगत कराने के बाद 15 जनवरी तक राज्य संघ का जो आदेश राज्य संघ जो अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंपी है कि 15 जनवरी तक हमारी जो यह 3 सूत्री मांग पूरी नहीं होती है तो आगे की रणनीति इसी कन्वेंशन के रिपोर्ट के आधार पर राज्य संघ तय करेगी। ये जब तक के समाचार विद्यालय आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। लगातार गिर रहा है पारा, कनकनी ने बढ़ाई परेशानी, जारी है सर्दी का सितम। शीतलहर एवं कड़ाके की ठंड के मद्देनजर दरभंगा में कक्षा 8 तक सभी सरकारी एवं प्राइवेट स्कूल 31 दिसंबर तक के लिए किए गए बंद। 3 दिनों के अंदर जरूरतमंदों को कंबल बांटने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। ठंड में अलाव बना सहारा, सरकारी स्तर पर भी जगह जगह जलाए जा रहे हैं अलाव। दिन में कपड़े और माला बेचने तथा रात में शातिराना तरीके से चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का पुलिस ने किया भंडाफोड़, रिवॉल्वर कट्टा गोलियां और जीवर बरामद। 28 एवं 29 दिसंबर को 2 दिवसीय मंगल महोत्सव का होगा भव्य आयोजन। 28वीं पुष्प प्रदर्शनी की तैयारियां अंतिम दौर में, 28 एवं 29 दिसंबर को लक्ष्मीश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में हो रहा है आयोजन। और 19 जनवरी को आयोजित होने वाली मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए सभी वर्ग के लोगों से भागीदारी की जिलाधिकारी ने की अपील। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला
डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।